आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस तथा कर्ल। इंग्लिश में ही नाम है ये, कोई हिंदी में नहीं है। चलिए हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल इनको देखते हैं। तीन अलग अलग चीज़ें हैं, समझ लीजिए आप। ग्रेडियंट अलग चीज़ है बिल्कुल, डाइवर्जेंस अलग चीज़ है, कर्ल अलग चीज़ है। तो एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। और ग्रेडियंट की हिंदी अगर बोलें, बिल्कुल प्योर हिंदी, तो वही है जो फिजिक्स में आपने पहले पढ़ी होगी कभी, प्रवणता, ठीक है ना। लेकिन ये वास्ट कंसेप्ट है। फिजिक्स में केवल इतना बता दिया जाता है कि कोई भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसका डिस्टेंस के साथ अगर वेरिएशन लेना है तो वो आपका प्रवणता कहलाता है उस चीज़ की। जैसे ताप लगा दो तो ताप की प्रवणता हो जाएगी। टेम्परेचर ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट आपने वहाँ पे जब कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं तब काम आता है। अगर आपने उसका डिस्टेंस का साथ वेरिएशन वेग का देख लिया, ठीक है ना, तो उसको वेग प्रवणता कह दिया जाता है। ये ताप है तो ताप प्रवणता, वेग है तो वेग प्रवणता। ये आपका कंसेप्ट वहाँ पर आया होगा जहाँ पे स्टोक्स लॉ वगैरह ये सही इस तरह के कंसेप्ट होते हैं ना, जहाँ पे जो कौन सा चैप्टर है, जहाँ पे वो विस्कस फोर्सेस निकाले जाते हैं। न्यूटन का जो फॉर्मूला है विस्कस फोर्सेस का, उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल करके फिर उसकी वैल्यू निकाली जाती है। मतलब ग्रेडियंट का सेंस वही है, लेकिन आप ये मत सोचें कि ये चीज़ों समझ के आप ये वहाँ यहाँ मैथ्स में जो ग्रेडियंट है ये समझ जाएंगे। ये ज़्यादा वास्ट कंसेप्ट है। तो जो प्रवणता, नाम वही है, हिंदी वही है, लेकिन काम उससे थोड़ा सा वास्ट है यहाँ पे इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है। तो इसमें आज हम ग्रेडियंट के ही कुछ कंसेप्ट्स देखेंगे, और ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मतलब बड़े अच्छी तरह से अप्लाई होता है ये। मतलब ऐसा है कि अगर आप ऐसी सरफेस नॉलेज रखेंगे आप, तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे और चैप्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या कोई भी चैप्टर ले लो आप उठा के, अगर आप सही से थ्योरी ना भी पढ़ो तब भी थोड़ा फॉर्मूले पढ़ के क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ नहीं, यहाँ फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम आने लगेगी। अब जो चैप्टर हैं वो इसी तरह के स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्हीं वजहों से थोड़ा सा ये मैथ्स जो है वो थोड़ा, ये जो थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स है वो थोड़ा सा अजीब सी लगती है बच्चों को। तो इसलिए चीज़ों को ढंग से समझने की कोशिश करिए। पहला इसमें जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो आंशिक अवकलन ले रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसमें कोई नई चीज़ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशिएशन भी चैप्टर था, करीब दो चैप्टर पहले हमने उसको पढ़ा था। तो इसलिए जो है वो क्या बोलते हैं, उसकी ज़्यादा बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन को डेल से शो करते हैं, डेल या डेवर कुछ भी बोल दीजिए आप। और अगर आप डेल बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं किसी फंक्शन का, और उसके अंदर सपोज एक्स प्लस वाई प्लस जेड है इस तरह से, तो आपको केवल एक्स वेरी कर रहा है उसको रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और वाई और जेड बाकी आपके कांस्टेंट ट्रीट कर दिए जाएंगे। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो वन प्लस जीरो प्लस जीरो आएगा, ठीक है। या फिर डेल बाई डेल एक्स अगर हम करते हैं एक्स वाई का, तो इसमें x वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा, y कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो y बाहर आ जाएगा। डेल बाई डेल एक्स ऑफ x, डेल बाई डेल एक्स ऑफ x ये 1 हो गया, या ऐसे सीधे काट लीजिए जो 1 हो गया, यानी कि इसका आंसर जो है वो y आएगा। ये चीज़ तब होती है, मतलब ये आर्टिकल तब पढ़ाया जाता जब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया होता, छोटी क्लास में कहीं पढ़ा होता, लेकिन आपने सेम क्लास में ही पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है। इसलिए ये चीज़ हम ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं, बस हल्का फुल्का मैंने याद दिला दिया आपको, अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब हमने ये सब पढ़े हैं। तो ये उन बच्चों के लिए सही रहता है जैसे वो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो कभी किसी और क्लास में पढ़ा, और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल किसी और क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनको याद दिलाने के लिए ये पहला टॉपिक हो जाता है, ठीक है ना। हर्षित, रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब वही बता रहा हूँ कि मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे लगाएं अगर, तो जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो वाला वेरिएबल, वो एक्स जो है डिफरेंशिएट होगा, और बाकी जो है वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे। तो अगर प्लस में लगे हैं अलग अलग तो वो तो जीरो ही हो जाएंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। मल्टीप्लाई में लगाएं अगर कांस्टेंट तो फिर वो बाहर आ जाएगा, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वन हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन की थोड़ी बहुत चीज़ बता दी हमने, टॉपिक है तो इसलिए मतलब याद आ जाएगा आपको दोबारा से। अब मेन चीज़ आती है हमारे पास, आप हेडिंग डालें डेल ऑपरेटर, यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है। इसका दूसरा नाम होता है वेक्टर ऑपरेटर, हिंदी में कहेंगे डेल ऑपरेटर, या फिर सदिश अवकल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऐसे भी बोला जा सकता था,
इसका नाम, या फिर नेबला ऑपरेटर, ये भी कभी कभी नाम बोल दिया जाता है। जैसे डेल को डेवर दूसरा नाम है उसका चलता है, ऐसे डेल ऑपरेटर को जो है वो नेबला ऑपरेटर भी बोल देते हैं। सिंबल इसका उल्टा ट्राइंगल होता है, और डेल ऑपरेटर इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको। कई तरह से नाम है, इसके बारे में हमें सबसे पहले स्टडी करना है। तो देखिए ऑपरेटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये फंक्शन है मेरे पास एक्स स्क्वायर, और मैंने उसके ऊपर ऑपरेटर एक लगा दिया, सपोज डी बाई डी एक्स लगा दिया ऑपरेटर। अकेला वेरिएबल है ना, तो डेल बाई डेल एक्स लिखना सही नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करा मैंने। तो ऑपरेटर क्या करेगा, उस वो ऑपरेटर फंक्शन को अपने हिसाब से, अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से चेंज कर देता है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो उसको वो 2x कर देता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर एक डेल ऑपरेटर डिफाइन करा गया है, जो इस तरह से डिफाइन होता है, डेल इज इक्वल टू, अभी लिखिएगा मत, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। इसमें आई जे के जो हैं वो वेक्टर्स हैं, और डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ कुछ नहीं है, डेल बाई डेल वाई ऑफ कुछ नहीं है, डेल बाई डेल जेड ऑफ कुछ नहीं है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो बनेगी वो ऑपरेटर ही है। अभी ऑपरेंड तो आप लगाओगे इस पर जिसके ऊपर अप्लाई होना है, जैसे डी वाई डी एक्स है, वैसे ही ये एक तरह से आप ये मान लीजिए कि आई जे के मतलब एक्स वाई जेड सिस्टम में, ये एक्स वाई जेड कार्टेशियन सिस्टम है, तो आई जे के तो कोई यूनिट वेक्टर हो गए इसके अलॉन्ग, और डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, इसका मतलब ये इसी डेल ऑपरेटर के तीनों डायरेक्शंस में कंपोनेंट हो गए। डेल बाई डेल एक्स इस डायरेक्शन में, डेल बाई डेल वाई इस डायरेक्शन में, डेल बाई डेल जेड इस डायरेक्शन में। तो उसको जैसे किसी भी पोजिशन वैक्टर को जैसे एक्स वाई जेड में खोल के लिख देते हैं, या कोई फोर्स है या कोई है थ्री डायमेंशन में खोल के लिख देते हैं, तो ऐसे ही ये डेल ऑपरेटर को हमने आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड ऐसा बोला जाएगा। ये सब लोग मैथमेटिशियन बता रहे हैं आपको, आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और कुछ बुक्स में डेल के ऊपर इस तरह से वेक्टर भी लगा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो मतलब हमारी मैथ्स में ऐसा नहीं किया गया है। इससे साफ साफ पता लग जाता है कि ये वेक्टर है, अदरवाइज आप अंदर देखें तो आई जे के लगे हैं, तो वैक्टर्स क्वान्टिटी तो होगी ही होगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो सदिश नाम लगा था, डिफ्रेंशिएशन के कंसेप्ट हैं, तो सदिश अवकल ऑपरेटर ये नाम इसलिए पड़ा। डेल ऑपरेटर इसको, इसी को डेल बोलते हैं, ये सिंबल जो बनाया है इसी को डेल, डेल वेक्टर ऑपरेटर समझ गए आप कि वेक्टर्स में है डेल ऑपरेटर। नेबला एक अलग नाम है, नेबला ऑपरेटर भी इसको बोला जा सकता है, हालांकि ज़्यादा डेली लाइफ में हम डेल ऑपरेटर ही बोलेंगे। तो इसके ऊपर से एरो हटा दीजिए, अदरवाइज अगर कोई लगाया है इसमें तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। किसी बुक में आप देखें और इसके ऊपर वेक्टर लगा दें तो वो चीज़ मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है, क्योंकि आई जे के अंदर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अब लिख लेते हैं, लिखिए। अच्छा, ऑपरेटर की भी हिंदी होती है संकारक, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे डेल संकारक, लेकिन वो जितना आप ज़्यादा उसमें डीप में घुसेंगे उससे फ़ायदा नहीं है, ये इंग्लिश के नेम ही बेटर होते हैं इन जगहों पे। लिख लीजिए सदिश संकारक डेल्टा, इस तरह से ये सिंबल, सदिश संकारक डेल्टा कॉमा, जिसे डेल या नेबला पढ़ा जाता है, को निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है, और फिर नीचे आप ये बॉक्स में डेल ऑपरेटर के बाहर लिख दीजिए फिर नीचे, यह वितरण के नियम का पालन करता है। वितरण का नियम कैसे, कोई फंक्शन अगर आप इधर लगाएंगे तो वो जाएगा तीनों पे जाएगा। आप ऐसे कहो ऑपरेटर्स खोल दिया हमने या ऑपरेंड ले आए इसके अंदर, तथा इसमें साधारण सदिश के सारे गुण होते हैं, फुल स्टॉप करके, डेल बाई डेल एक्स कॉमा डेल बाई डेल वाई तथा डेल बाई डेल जेड को आई वेक्टर कॉमा जे वेक्टर तथा के वेक्टर के अनुदिश कॉमा डेल ऑपरेटर के घटकों के रूप में माना जा सकता है। मतलब आप मान सकते हैं डेल के तीन कंपोनेंट हुए, एक्स डायरेक्शन में ये आई डेल बाई डेल एक्स, वाई डायरेक्शन में डेल बाई डेल वाई, जेड डायरेक्शन में डेल बाई डेल जेड, और आई जे के वो जो है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जानते ही हैं। पहले तो आप एक बात नोटिस करिए कि यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो बिल्कुल ओके हैं आप, नहीं तो इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अगर मेरे पास कोई वेक्टर है ए, सपोज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और मेरे को यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग निकालना है, तो उसका तरीका होता है आप वेक्टर में उस मैग्नीट्यूड इसका लेकर के उससे डिवाइड करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये तो हो जाएगा डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट स्क्वायर सम ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो ये जो मैग्नीट्यूड जितना निकलता है, अभी तो ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, नंबर्स होंगे 2, 3, 4,
तो ये निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी डेफिनेशन को, ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे यूज़ की है कि अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे। यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में निकालना है तो आपको एक तो उस डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए, और साथ ही साथ बस वेक्टर चाहिए, मैग्नीट्यूड तो आप अपने आप निकाल लोगे, डिवाइड करा और कैप निकल के आ जाएगा। इसी चीज़ को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड ए कैप, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख लें इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हमारे लिए दूसरी हेल्प करने लगती है। ये दूसरी हेल्प क्या करने लगती है, न्यू वेक्टर प्रिपेयर करना। अगर हमें किसी दिशा में नया वेक्टर चाहिए तो हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे न्यू वेक्टर अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको क्या चाहिए, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, और फिर जितना बड़ा वेक्टर प्रिपेयर करना है उसका, जितना मैग्नीट्यूड का वेक्टर प्रिपेयर करना है उसको आप यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दीजिए उस डायरेक्शन में, तो आपको नया वेक्टर प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप ये इस फॉर्मूले को दो तरह से अप्लाई करना जानते हैं तो आपको समस्या नहीं आएगी इस चैप्टर में। तो ये चीज़ अगर आपको पता थी बहुत अच्छी बात, नहीं पता थी तो फिर आप इसको इस तरह से मैनेज करिए, इस तरह से देखिए इसको यूनिट वेक्टर को, क्योंकि ऐसा होता है कि बुक्स जो छापी जाती हैं वो दो तरीक़ों से छापी जाती हैं। एक, अगर बुक वाला जो है सारा कंटेंट देने लगे तो फिर वो उसका साइज़ बहुत बढ़ने लगता है, तो रेट बढ़ता है बुक का, तो फिर वो नहीं चलेगी, बच्चे नहीं खरीदेंगे। एक है, इसीलिए क्या करते हैं, बुक में शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, उस कंसेप्ट को उतना एलेबोरेट नहीं करते हैं, तो और वो जानते हैं कि मतलब मास के लिए वो लिख रहे हैं, मतलब ज़्यादा बच्चों के लिए लिख रहे हैं, कम बच्चे जिनको डेप्थ नॉलेज चाहिए उनके लिए फिर वो नहीं होती हैं बुक्स। तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, या जैसे भी आप उसको समझें वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये डेल ऑपरेटर का कंसेप्ट जो है हमारा ख़त्म हो रहा है, अब हम आते हैं ग्रेडियंट पे, जो हमारा पहला टॉपिक है ग्रेडियंट, वो स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए ये ज़रूरी था। अच्छा, एक चीज़ और चाहिए हमें, एक चीज़ आप ये समझिए, वेक्टर्स में ही होता है फिजिक्स में, अगर आपके पास ए वेक्टर है और आपने उसमें किसी नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो ये टोटल मिला के क्या होगा, टोटल मिला के वेक्टर ही तो रहेगा। यानी कि किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई किया जाए, स्केलर इनटू वेक्टर, तो ऑलवेज वेक्टर आता है। और इस मल्टीप्लाई को न डॉट से न क्रॉस से किसी से नहीं शो करते, केवल 3a लिख दिया जाता है, इन जनरल इसको ka कर दीजिए। तो फिजिक्स में ये कंसेप्ट इस तरह से होता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है नंबर से ही करना है मल्टीप्लाई, आप इसमें जैसे फोर्स इज इक्वल टू ma होता है ना, आप देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर है और इसके साथ मैंने मास से मल्टीप्लाई किया कि मास स्केलर है और ये वेक्टर है, तो फोर्स वेक्टर होगा। इसमें कोई डॉट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएंगे, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट तब आते हैं जब दोनों वेक्टर्स होते हैं। तो स्केलर का मतलब ये हो गया, आप नंबर से भी कर सकते हैं, यानी कि विदाउट यूनिट कोई क्वांटिटी है। ऐसे केस में क्या होगा, अगर ये वेलोसिटी थी मीटर पर सेकंड था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो वेक्टर प्रिपेयर होगा वो भी मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी का वेक्टर होगा। लेकिन अगर आपका जो स्केलर है वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है, तो फिर इसकी किलोग्राम यूनिट और इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला के यूनिट मॉडिफाई हो जाएगी, नई क्वांटिटी मिल जाएगी आपको। तो आप देखिए क्या इस टॉपिक को आपने पहले पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस तरह से इसको समझिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, वो और ज़्यादा उग्र रूप में, अभी एक बच्चा आया था जिसका नाम उग्र लिखा हुआ था, वो और ज़्यादा मतलब विगरस फॉर्म में आता है आपके पास दोबारा, और तब उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इसलिए ही आगे, अभी ये चीज़ें ही मुझे रोक रही हैं आगे बढ़ने से, ये मैं चाह रहा हूँ कि बता दूँ आपको, ताकि मैं अगले और टॉपिक में मतलब आपको दिक्कत ना हो, आप ये मतलब मैं पूछूं कि हाँ समझ में आ गया तो आप ये कह सकें हाँ समझ में आ गया है, बिना मन से ना कहें समझ में आ गया मुझे। तो ये वेक्टर का, स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई इस तरह से होता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई होना है तो वो स्केलर भी हो सकता है आंसर, और वेक्टर भी हो सकता है। अगर वो स्केलर हुआ तो उसको फिर हम ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो वेक्टर होना चाहता है तो फिर हम उसे ए क्रॉस बी से शो करेंगे। तो स्केलर इनटू वेक्टर ऑलवेज वेक्टर। एक और रूल भी चलता है स्केलर, इससे पहले स्केलर इनटू स्केलर तो स्केलर रहेगा, इस दो स्केलर हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए स्केलर ही आएगा, एक स्केलर एक वेक्टर है तो वो वेक्टर आएगा हमेशा। लेकिन अगर वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर स्केलर या वेक्टर, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। आप अगर वर्क निकालना चाहते हैं तो वो वेक्टर बनेगा, नहीं सॉरी स्केलर बनेगा, और अगर आप टॉर्क निकालना चाहते हैं बलागुण, तो वो क्वांटिटीज उस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं वो वेक्टर हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो हमें आगे ज़रूरत पड़ेंगी।
तो टॉपिक डालिए जरा, ग्रेडियंट, अदिश बिंदु फलन का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब देखिए, पॉइंट फंक्शन आपको पता होना चाहिए, अदिश बिंदु फलन और सदिश बिंदु फलन ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सदिश अवकलन में, वेक्टर डिफरेंशिएशन में हमने अदिश बिंदु फलन और सदिश बिंदु फलन दोनों पढ़े थे। तो अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अजीब सा महसूस होगा। और ग्रेडियंट लेना है तो पहली बात तो ये दिख रही है आपको कि ग्रेडियंट हमेशा अदिश बिंदु फलन का ही लिया जाता है। आप अदिश बिंदु फलन को सिंपल आप कह सकते हैं स्केलर फंक्शन है, उससे काम चला सकते हैं, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स तभी आएंगे जब इसकी डेफिनेशन समझेंगे आप। तो वो वीडियो वो जो है शायद 3-4 दिन पुराना वीडियो होगा, 4-5 दिन पुराना, पहला लेक्चर था जो वेक्टर डिफरेंशिएशन का, मैंने छोटी दीपावली वाले दिन लिया था, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो इससे पता लग रहा है कि ग्रेडियंट जो निकलता है वो अदिश बिंदु फलन से ही निकलता है, उसका ही निकाल सकते हैं आप। तो डिफाइंड कैसे होता है वो सब मैथमेटिशियंस ने बताया है, हम लोगों को उसमें कुछ नहीं करना है, हम लोगों को बस देखना है कि क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ना है, मैंने वही कहा ना, समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, समझ में आ जाएगा, लेकिन अजीब सा लगेगा थोड़ा कि वो चीज़ बिल्कुल हमारे मतलब इस फिंगर टिप्स पे नहीं है वो चीज़, ऐसा लगेगा आपको। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ ये है, अगर मेरे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई है, ठीक है ना, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है, तो डेल को ऑपरेट कर दें हम सीधे फाई पे, ठीक है, ये चीज़ जो है आपका ग्रेडियंट कहलाती है, समझ रहे हैं आप। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी जो है वो ग्रेडियंट की ये है कि डेल फाई। अब इसमें देखिए आपका, अगर ये क्या चीज़ है, ये वेक्टर है और ये स्केलर पॉइंट फंक्शन ले रखा है तो ये आपका स्केलर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये क्वांटिटी कौन सी आएगी, तो ये क्वांटिटी आपकी वेक्टर ही आएगी हमेशा, ये चीज़ आप समझ लें हमेशा। स्केलर क्वांटिटी का निकलता है लेकिन खुद ये ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर होता है, यानी कि इसके आंसर में, अब आप देखिए इसका जो आंसर आएगा ग्रेडियंट का, उसके आंसर में आई जे के आएंगे, क्योंकि हम लोग जो है डेल फाई में कभी ये वेक्टर नहीं लगाएंगे, इसलिए ऐसा कंफ्यूजन ना हो आपको, तो इसलिए आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये स्केलर फंक्शन का निकलता है लेकिन खुद में ये वेक्टर होता है, क्योंकि स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लाई हमेशा वेक्टर आएगी, आंसर इसका आई जे के की फॉर्म में आएगा, ठीक है। और यहाँ बीच में ना तो आप डॉट लगाओगे ना क्रॉस लगाओगे, ये सब कुछ नहीं लगना है, सिंपल डेल फाई कहा जाएगा, क्योंकि ये स्केलर है ये वेक्टर है, तो डेल डॉट फाई या डेल क्रॉस फाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये इसके स्केलर होने की वजह से, अगर ये वेक्टर होता तो फिर हाँ क्रॉस और डॉट लगाए जा सकते थे, इसलिए केवल डेल फाई से डिफाइंड होगा ये। अब अगर आप इसे और खोलना चाहें तो ये आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, इसकी वैल्यू डाल दीजिए आप डेल की और फाई कर दीजिए, और इसे खोलना चाहते हैं तो ये फाई ऑपरेट करा दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड, इतना ज़्यादा और खोल के लिख सकते हैं आप। और अब फंक्शन अब वहाँ पर पहुँच गए कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कंडीशन में पहुँच गए हैं, फाई की वैल्यू जो भी फंक्शन होगा उसकी वैल्यू जब रखेंगे आप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड करेंगे, तो सॉल्व होकर जो आंसर आएंगे वो आपके ऐसे ही आएंगे एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस टू जेड के, इस तरह से, या इस तरह से कोई फंक्शन आएगा। कहने का मतलब ये है ग्रेडियंट को जब निकालेंगे आप तो आपका आंसर आई जे की फॉर्म में आना चाहिए, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो भी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई या जेड, वो सब चीज़ें उसके साथ लगी रहेंगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ग्रेडियंट डेल फाई से डिफाइन होता है, एक ये वेक्टर है ये स्केलर है, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लाई होके ऑलवेज वेक्टर फॉर्म में आएगा जाकर। कहने का मतलब है निकलता तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन का है लेकिन खुद में ये वेक्टर होता है, और इसको निकालने का तरीका इसी को बस सॉल्व करते चले जाइए, ठीक है। अभी तो हम फॉर्मूला देख रहे हैं तो इसलिए यहाँ तक ही पहुँच सकते हैं, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप इससे और आगे भी सॉल्व करते चले जाओगे। जितने इसमें ये बाधाएं थी छोटी मोटी, ये सब हम पहले ही दूर कर चुके हैं, इसलिए अब आपको यहाँ पे कोई चिंता करने की मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको बॉदर कर रही हो। तो थोड़ा सा हम इसे लिख लेते हैं, लिखिए यदि फाई एक्स वाई जेड एक सतत तथा अवकलनीय अदिश बिंदु फलन है। देखिए डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएशन होना है ना उसका,
तो डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी जो है वो डिफरेंशिएशन के लिए नेसेसरी होती है। तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा तभी ये सारी चीज़ें आप निकाल पाओगे, क्योंकि आगे चल के ये होना है इनके साथ, इसलिए ये सतत और अवकलनीय लिखा जा रहा है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ध्यान दें, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी कहते हैं उसको, सततता को, और डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं अवकलनीयता को, ठीक है। अदिश बिंदु फलन है तो नेक्स्ट लाइन में सदिश फलन, तदिश फलन डेल फाई इज इक्वल टू इतना, पहले ये बॉक्स बनाइए इस पे, सदिश फलन डेल फाई इज इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई, मतलब मैं डेल को ऑपरेटर को लगा दूं फाई के ऊपर तो जो मिलेगा वो ग्रेडियंट कहलाता है। सदिश फलन इतने को फाई का ग्रेडियंट कहते हैं, फाई का ग्रेडियंट कहते हैं, तथा इसे ग्रेडियंट जी आर ए डी ग्रेड फाई से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो अतः करके लिख लीजिए आप नेक्स्ट लाइन में, अब सारी चीज़ें भर देंगे हम, अतः ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल फाई इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना, सब एक लाइन में ना समाए तो दूसरे में कर दीजिएगा, ये पूरा का पूरा जो है वो आया हमारे पास। मेन चीज़ इतनी ही थी बस, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल फाई, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। ये तो इसके ऊपर जब काम करेंगे आप तो डेल चलता चला जाएगा, वो तो सब सेल्फ अंडरस्टूड है। तो आपको मेन चीज़ जो निकली वो निकल के यही आई, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल फाई, डेल पता ही है आपको, वो आपने रखा फाई ये रखा, ऑपरेट करा दिया तो फिर ये आ गया। वो चीज़ें मतलब ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, वैल्यूएबल चीज़ जो है, जो आपको मेन फॉर्मूला, जो आपका नया कंसेप्ट मिला है वो ये इतना है केवल कि ग्रेडियंट किसी फंक्शन का निकालना है आपने, तो आपने डेल ऑपरेटर उसके ऊपर ऑपरेट करा देना है, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल फाई। इसके ऊपर जरा हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। यदि फाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फंक्शन है आपके पास, तो ग्रेडियंट फाई का मान ज्ञात कीजिए। तो बस देखिए, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू हम कह देंगे कि हाँ भाई हमने पढ़ा है डेल फाई होता है, यानी कि आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड और फाई। ये वेक्टर लगाना भूल जाते हैं अक्सर, सब एक साथ बाद में लगा दिया करिए, है ना। अच्छा, ये होगा जा करके, अब फंक्शन की वैल्यू सब पे ले भी आइए, आई वेक्टर डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल फाई बाई डेल जेड, फाई की वैल्यू डाल दीजिए। अब ये काम ऐसा भी कर सकते हैं आप कि पहले आप क्वेश्चन से पहले निकाल के रख लेते हैं कि डेल फाई बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल फाई बाई डेल वाई क्या होगा, डेल फाई बाई डेल जेड, या फिर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए तो आप एक एक करके निकाल लीजिए बाद में यहाँ पुट, या फिर ऐसा करिए बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कर सकते हैं आप तो सीधे इनकी वैल्यू यहाँ से सॉल्व करते हुए लिख दीजिए, या फिर आई डेल बाई डेल एक्स यहीं पे इसको पूरा फंक्शन लिख दीजिए, उसके बाद उसे ऑपरेट कर दीजिए, कैसे भी करिए आप। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे डेल बाई डेल वाई ऑफ यही चीज़ फिर से प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस के डेल बाई डेल जेड यही चीज़ फिर से एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप देख लीजिए x है तो मैंने कहा था पार्शियल डिफरेंशिएशन करते टाइम थोड़ा सा रुकिए और देखिए क्या क्या मेरा डिफरेंशिएबल है, ये है बस, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगी। तो ये हो जाएगा i और इसके साथ एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, दो टर्म है तो इसलिए ब्रैकेट लगा दीजिए, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई कॉन्स्टेंट और x का 2x, तो 2xy, ये चीज़ जितना डायरेक्ट अगर डायरेक्ट कर सकते तो वैसे कर लीजिए, प्लस j वेक्टर और इसमें देखिए y के हिसाब से ये डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल है, बाकी ये सब कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके, इसमें चाहे आप प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो कर देते है ना। अच्छा, इसमें ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y का 1 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा प्लस ज़ीरो प्लस k डेल बाई डेल z, तो इसका हो जाएगा z में देखिए क्या ये केवल होगा बस एक्स वाई तो ज़ीरो हो जाएंगे, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस टू जेड, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, आई चाहे बाद में लिख दीजिए वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में लिखें चाहे पहले, कायदे में तो बाद में ही लिखा जाता है ना, वो तो ऑपरेटर के केस में ऐसे लिख देते हैं सॉल्व करने में आसानी हो। कभी कभी किसी बुक में देखिएगा डेल को इस तरह भी लिखा है, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे
प्लस डेल बाई डेल जेड के, इस तरह भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ज़्यादा बेटर है क्योंकि ऑपरेट करने में आसानी होती है। अलग, हाँ अलग से निकाल के भी तब ला के रख सकते हैं, या इसी में आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस ये देख लीजिए, मेरा कुछ गलत ना हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई, कोई गलती हो तो उसको बता दीजिएगा, प्लस टू जेड के, ये आपका ग्रेडियंट फाई आया। देखिए कैलकुल, ये बहुत आसान चीज़ है, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बस ये है कि ये स्टार्ट, ये कंसेप्ट आपको चाहिए था कि ये कैसे हुआ, ये डेल और ये, बाकी आपका कैलकुलेशन आसान है। एक थोड़ा क्वेश्चन और वैरायटी थोड़ी बढ़ाते हैं, फंक्शन एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए हमारे पास, यदि फाइ इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर, तो अब एक चीज़ और बढ़ा देता हूँ मैं, वन कॉमा माइनस वन कॉमा टू, वन कॉमा माइनस वन कॉमा टू, बिंदु इतने पर ग्रेडियंट फाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जो हमारा ग्रेडियंट फाई आया है वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में आया है क्योंकि ये जनरल फंक्शन चल रहा था, लेकिन जब मैं क्या करूँगा उसको एक टू द पॉइंट डिफाइन करने लगूँगा तो फिर ये नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे जैसे आप सोचो, वो छोटी क्लास में नहीं करते थे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, प्रवणता निकालनी होती थी स्लोप ऑफ ए लाइन या स्लोप ऑफ कर्व, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते तो जनरल स्लोप आ जाती थी, फिर डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट वन कॉमा टू, तो एक्स की जगह वन वाई की जगह टू रख देते थे तो नंबर आ जाता था, तो ये स्लोप पर्टिकुलर स्लोप हो जाती थी। एक जनरल स्लोप है, आप किसी कर्व पे कहीं भी ले सकते हैं, जैसे इसमें यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेनी है स्लोप तो फिर उसकी वैल्यू इस तरह आ जाती थी। तो सेम ऐसे यहाँ पे ग्रेडियंट, ये जनरल ग्रेडियंट था, ये आसान मतलब तभी लगा है जब आपने पहले ध्यान से पढ़ा है, तो उसी तरह से यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो आपका किसी पॉइंट पे डिफाइन हो जाएगा। तो आप पहले ये प्रोसीजर कर डालिए इसके साथ, और फिर उसके बाद लास्ट में जब ये पूरा कर डालेंगे, फाई की वैल्यू बस ये आ जाएगी, यहाँ तक तो वही रहेगा, फाई की वैल्यू बस ये आ जाएगी, ये रखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे बदल के, कितनी है जो भी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर, इतना इतना इतना। फिर जब आई जेके में ये निकल आए तो अब आप करोगे, जब ये निकल आए तो ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट वन कॉमा माइनस वन कॉमा टू, बस ये 3D में है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दो में वो चलता था, अब यहाँ पे 3D है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वन, y है तो माइनस वन, और z है टू टू, वो सब पुट कर देंगे तो आपके नंबर इंटू आई प्लस नंबर इंटू जे प्लस कोई नंबर इंटू के, ऐसे करके आ जाएगा। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, आपको फॉर्मूला बताए उसी के ऊपर क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। जो कल की क्लास होगी वो आज से मतलब आप चल मान के चलिए 30% ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। सेवन, ये सेवन आ रहा है, ये माइनस थ्री आ रहा है, ये फोर आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, उसके बाद फिर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। करवाना क्या, समझा देता हूँ। यदि फाई इज इक्वल टू वन अपॉन आर, जहाँ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, वाई जे प्लस जेड के, मतलब जो नॉर्मल पोजिशन वैक्टर होता है वही ये, तथा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो डेल फाई का मान ज्ञात करो। देखिए फाई इक्वल टू वन अपॉन आर और इसी का डेल फाई निकालना है, यानी कि ग्रेडियंट लिख देते, उन्होंने डेल फाई निकाल बोल दिया, कुछ भी बोल सकते थे, आर वेक्टर इतना है और आर स्क्वायर, ये चीज़ ना भी देते तो हम अपने आप निकाल भी सकते थे। वेक्टर अगर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट स्क्वायर सम ऑफ कंपोनेंट्स होता है, आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये चीज़ अननेसेसरी दी हुई है, लेकिन अच्छी बात है, चलो दे दिया। तो डेल फाई का मान बताइए। तो देखिए फाई इज इक्वल टू वन अपॉन आर है, ये वेक्टर नहीं है, ये आर इसका मैग्नीट्यूड है एक तरह से, और उन्होंने वो दे भी रखा है आपको, ठीक है ना। तो आप देखिए अगर ये दे दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। हैंस फंक्शन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वन अपॉन r, यानी कि वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बाद में इसी का डिफरेंशिएशन होना है तो आप इसको चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, या फिर वन अपॉन अंडर रूट एक्स का वन अपॉन अंडर रूट टू रूट एक्स या जो भी होता है वो उससे भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे डेल फाई निकालना है, नाउ डेल फाई, तो डेल फाई इज इक्वल टू जो है वो आपका कितना हो जाएगा, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड फाई। मैं सजेस्ट करूँगा बार बार आप लोग यही लिखिए कि डेल फाई इज इक्वल टू डेल इतना फाई अंदर मल्टीप्लाई करिए,
ताकि आपको वो जो डेफिनेशन है ना ग्रेडियंट फाई की, वो इतनी बार रिवाइज हो जाए, इतनी बार आंखों के सामने से गुजर जाए कि वो फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे आ जाए। अब इसके बाद आप फाई ला करके अंदर जो है वो ऑपरेट कर दीजिए। अब इसके बाद कर लेंगे क्या आप? मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। जो ये आंसर आएगा वो वेक्टर्स में आएगा, तो वो आंसर कुछ इस तरह से आएगा माइनस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और अपॉन में जो आ रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये ऐसे करके आ रहा है। देखो पावर 3/2 तो आनी ही आनी है डिफरेंशिएट करके। अब ये आपका थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें वापस उसमें चला जाएगा, इन चीज़ों में कैसे चला जाएगा, ये इज इक्वल टू माइनस ये ऊपर चीज़ आर वेक्टर बन जाएगी, है ना, डिवाइड बाई नीचे आपका ये कितना है, ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 पावर कैंसिल, तो माइनस का आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। मतलब वहाँ पे आंसर छोड़ने की बजाय आप वापस वो वैल्यूज़ ला के थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में उसको कर देंगे उसको बाद में। मतलब इस सारा कुछ मैंने बता दिया है, बस केवल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस छोड़ा है, उसको आप देखिए करिए। डिफरेंशिएशन भी कैसे होगा, चेन रूल से हो जाएगा, पहले पूरे को कर देंगे फिर उसके बाद इस चीज़ को दोबारा से करेंगे। ये ऐसे केसेस आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से किए हैं। अच्छा उसकी बात कर रहे हो ना, हाँ हाँ बिल्कुल, आर टू द पावर माइनस आप कह सकते हो, बिल्कुल। मैंने यहाँ से वैल्यू डाली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वो बात वही है, वहाँ से भी उठा के रखो कहीं से भी उठा के रखो, ठीक है ना। वन अपन आर को आर टू द पावर माइनस करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं? नहीं, आर टू द पावर माइनस वन ही तो किया है, ये देखो आर टू द पावर माइनस वन ही तो, माइनस वन तो आएगा तो वही, जैसे आर टू द पावर माइनस वन करोगे, ठीक है ना, आर टू द पावर माइनस वन ये फंक्शन हो गया तुम्हारा, तो आर की वैल्यू जब डालोगे यहाँ से तो वो अंडर रूट उतने में ही तो पड़ेगी, अंडर रूट ऑफ इतना टू द पावर माइनस वन, तो वो आएगा तो माइनस हाफ ही, वो तुम दूसरी तरफ से घुमा के उसको पकड़ रहे हो, बस यही आपका आंसर हो गया। हाँ फंक्शन रूट में है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा तुम उसी की बात कर रहे थे, ठीक है चलो। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और हमने बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप कल हम इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ पहले समझेंगे और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, चलिए।